अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मैं जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट जो है ना वो टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस के मैं कर चुका हूँ, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने इसी चीज़ पर जोर दिया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि ये वाले टॉपिक्स जो है ना वो आपने सबसे बेस्ट करने हैं, ठीक है। इनके सबसे अच्छे नोट्स बनाने हैं, सबसे अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है, उसके बाद आप जो करना चाहें दूसरे टॉपिक्स भी करना चाहें तो वो ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि इससे ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक दफ़ा क्लियर हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो टॉपिक्स आपसे रह जाते हैं वो आप फिर जो है ना वो पूरी लाइफ में कभी आप उसको तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट सारे लिया करें, जो टॉपिक तैयार करना हो वो उसी को उसी के मुताबिक फिर जो है ना वो तैयार किया करें, ठीक है। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का मैं प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, 15-16 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ मैं। ये जितने भी लेक्चर्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये मेरे जो है ना वो प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नोट्स भी मैं आपके साथ सारे शेयर कर चुका हूँ। अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें खुद से एडिशन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ ये यूज़ करें, इसमें और बहुत सी चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि ये मैं नोट्स जो है ना वो बेसिकली एवरेज नोट्स बनाता हूँ, मतलब सभी स्टूडेंट्स को देख के, ठीक है। तो आप में से बहुत स्टूडेंट बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे से मुराद ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करने वाले हैं, तो वो इसमें बहुत सी चेंजिंग कर सकते हैं। मैं भी अपने नोट्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर सकता हूँ, बल्कि मैं करता भी हूँ। ये जो नोट्स हैं, पास पेपर शेयर कर दूँ, 2023 का है, ठीक है, रिसेंटली जो हुआ अभी प्रीवियस ईयर में। 10 सवाल आते हैं, 10 में से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है। ये 10 सवाल आप देख सकते हैं, इनको जूम करके देता हूँ मैं। ये कुरान और सुन्ना आया है, ठीक है, और उसके बाद जो ना वो इस्लामिक लॉ जो ना प्राइमरी सोर्सेज के हैं, ठीक है। फिर इज्तिहाद के वाले से आया है, दैन फिर जो है ना वो ये कोडिफिकेशन के वाले से आया है, ठीक है। फिर मैटर मुस्लिम रिजॉल्व रेजोल्यूशन के वाले से आया है, ठीक है, और दैन फिर जो है ना वो कॉन्टेक्ट के वाले से आया है, ठीक है। फिर कॉम्पिटेंट विटनेस के वाले से आया, वुमेन जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकती है कि नहीं। फिर प्रिजनर ऑफ वार के वाले से आया, ठीक है। फिर जो है ना वो हदूद तज़ीर क़िसास और दियत को एक्सप्लेन करना है। फिर ऑनरशिप और एहतसान का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के लास्ट ईयर का पेपर है, 10 में से आपने 5 सवाल करने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ और मुस्लिम लीगल सिस्टम है, मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स में से इमाम अबू हनीफा को सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपने मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स को तैयार करना है तो आप इस तरह तैयार करें कि इमाम अबू हनीफा और जो है इमाम शाफी के ऊपर अलहदा से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कुरान और सुन्ना और इज्तिहाद, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसमें इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स को आपने हर लिहाज से इनके नोट्स अच्छे से बनाने हैं, ठीक है, के फिट करके नोट्स इनके बनाने हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखें 5 में से ये 3ों में से 2 टॉपिक्स मस्ट आएंगे, ठीक है, 3ों भी आ सकते हैं, 2 मस्ट आएंगे। तो जब मैं 40 नंबर का पहले पेपर बता रहा हूँ तो आपको ये ज़रूर करने चाहिए। उसके बाद एहतसान और इज्तिहाद, ठीक है। फिर ऑनरशिप पोजेशन एविडेंस और पनिशमेंट, ठीक है, ये बेसिकली टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनमें से का पेपर जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ के जाइएगा ज़रूर, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर अच्छे से नोट्स आपने तैयार करके फिट से नोट्स तैयार करके जाने हैं, ठीक है। इसके वाले से कोई भी अच्छे डॉक्यूमेंट से पूछ सकते हैं। ये सारे नोट्स मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हैं, ठीक है, लेक्चर्स भी पड़े हैं, तो कोई भी अच्छे डॉक्यूमेंट से पूछ सकते हैं। चला जल्द मित्र नेक्स्ट वीडियो में, दो मियाँ लिखेगा।